सो ही गाइस गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूं। बाकी आज करते हैं व्लॉग 24 की स्टार्टिंग। तो गाइस फाइनली मम्मी एंड पापा रीच कर चुके हैं और मम्मी का फोन आया था यार स्कूल से, थोड़ी बहुत तबीयत खराब है। क्या हुआ मम्मा बताओ? बस आज थोड़ी फीवर की हरकत लग रही है बेटे, कई दिनों से पेपर चेकिंग में लगी हुई थी दिन रात काम करके, तो एक बार थकावट तो निकलनी है। और देख लो यार ऊपर श्राइन रोड पे 35 किलोमीटर सोनीपत और पानीपत हाईवे लेफ्ट 42 किलोमीटर। देख लो यार बाइक कहाँ पे खड़ी कर दी है यार, हाईवे के ऊपर की बात है भाई। कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे, कैसी क्रीपी फीलिंग आ रही है थोड़ी? हाँ जी भाई। तो यार देखते हैं यार और फोटो शूट कराते हैं। सो ही गाइस गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ। बाकी आज करते हैं व्लॉग 24 की स्टार्टिंग। और यार गुड मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह के बज चुके हैं 8। और आपको सही बता रहा हूँ यार, सुबह से इसी एक टेबल पे बैठा हूँ मैं और यहाँ से यार थोड़ा सा भी हिला नहीं, क्योंकि यार एडिटिंग कर रहा था। एडिटिंग नहीं, मैं तो यार कस्टमाइजेशन कर रहा था। एडिटिंग तो रात को करी थी और जिसमें यार 2:30 बज गए थे। और एक्चुअली बता रहा हूँ भाई, यूट्यूब की जर्नी में मेरी पहला दिन होगा जिसमें यार 2:30 बज गए थे। क्यों यार, एडिटिंग बहुत ज्यादा स्पेशल करी आपके लिए। कल का व्लॉग भी बहुत स्पेशल था। क्या था भाई, चैलेंज का था। और यार आज भी कुछ डिफरेंट सीन होने वाला है, तो यार कल वाला जरूर देखना यार, कसम से कह रहा हूँ बहुत मजा आएगा। मेरे को भी मजा आया था, चैलेंज करने में इतना मजा आया था यार, देखने में तो बहुत ज्यादा आया था। और यार मेरे हिसाब से आप सबने देख ही लिया होगा, नहीं तो फिर भी यार मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा यार, उसको भी देख लो। और बाकी तो गाइस आज भी यार एक्चुअली में बहुत ज्यादा शाम की एक्साइटिंग नाइट होने वाली है। बाकी अभी सुबह का सीन बता दूं तो यार मम्मी जा चुके हैं सुबह सुबह, बिल्कुल 6:30 चले जाते हैं वो, जैसे कि मैं उठता हूँ एडिटिंग के लिए और साथ ही में वो चले जाते हैं। और बता रहा हूँ आपको भाई, सुबह सुबह वो चले गए थे, बिल्कुल टाइम नहीं चले गए थे अपने शेड्यूल के हिसाब से। और पापा भी ऑफिस जा चुके हैं, लेकिन भाई आज घर पे यार उसका पता क्या सीन चल रहा है, अल्टरनेट डेज जा रहा है, मतलब एक दिन जा रहा है एक दिन छुट्टी, एक दिन जा रहा है एक दिन ऑफ, तो ऐसा कुछ चल रहा है। बाकी आज का दिन बहुत ज्यादा लंबा रहने वाला, बहुत सारे प्लान्स हैं, राइड का भी प्लान है, बाकी अभी सारे कवर कर दूंगा। तो यार शाम को क्या कवर करूंगा, चलता हूँ यार। 8 बज चुके हैं, नीचे जाके देखता हूँ यार ब्रेकफास्ट में क्या बना है और नीचे का भी सीन दिखा देता हूँ क्या कुछ सीन है। और सही बता रहा हूँ भाई गाइस, मम्मी पापा तो सुबह जाने से पहले 6:30 बजे ही ब्रेकफास्ट करते हैं ना, तो मुझे यार हर रोज कहते हैं भाई तू भी कर लिया कर, कर लिया कर। पर मैं क्या हूँ भाई, मानता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि उस टाइम बिजी होता हूँ ना एडिटिंग कस्टमाइजेशन, जब तक ना होना यार कसम से कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। सो यार बट बिल्कुल परफेक्ट काम चल रहा है, सही बता रहा हूँ। और अभी चलते हैं नीचे ब्रेकफास्ट के लिए। सो गाइस फाइनली नीचे की तरफ पहुंच गया था और यार फ्रिज बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए बंद ही कर देता हूं यार। देखो हो गया ना यार, अब बिल्कुल शांत बिल्कुल पीसफुल हो गया ना माहौल वगैरह, पीसफुल हो गया ना। तो अब चलते हैं और देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। बहुत ज्यादा भूख लगी है जनरली यार, सब्जी में तो यार दूर से ही दिख रहा है, आपको भी दिख ही रहा होगा यार, आलू गोभी की सब्जी लग रही है मेरे को। और साथ के साथ यार चाय भी प्रिपेयर कर लेंगे और साथ में है चपाती में सिंपल परौंठी। सो यार कसम से बहुत ज्यादा भूख है, जैसे कि यार हर दिन लग जाती है, क्योंकि यार बहुत देर टाइम वर्क हो जाता है ना, बहुत ज्यादा वर्क हो जाता है। तो यार करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर बता दो मेन सीन क्या है यार आज का, और आज भी कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट रहने वाला है। So guys, perfectly done with the breakfast and all. यार उसके बाद का सीन बताऊं तो यार अभी भी shoots and all are going on and on. कैसे यार आउटफिट से आपको पता लग ही गया होगा, अगर नहीं भी पता लगा तो मैं आपको बता ही देता हूँ यार। देख लो यार ऊपर स्टूडियो पे आया हुआ था। एंड और बता दूं यार इसे हटके, यार बाहर से गाइस इतनी गर्म हवा आ रही है, मतलब धूप इतनी ज्यादा है ना, जनरली आपको बता नहीं सकता। बाहर जाएंगे ना यार फील करेंगे, मेरे हिसाब से यार राइड पूरी भी नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसी धूप है भाई कसम से। अब यार डे बाई डे यार इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि यार गर्मियों के मौसम आने वाले हैं। और उसके साथ साथ आपको ये चीज बता दूं यार, मम्मी पापा भी रीच नहीं करे हैं, अभी थोड़ी देर में आएंगे, उनसे आपको मिला दूंगा। साथ के साथ यार मम्मी का स्कूल से फोन आया था कि भाई थोड़ी बहुत तबीयत ढीली होगी, मम्मी को फीवर हो गया, तो यार उसकी मेडिकेशन एंड ऑल भी डन कर ही देंगे। जैसे मम्मी आएंगी पूछ लेंगे भाई कैसी तबीयत है, और साथ के साथ मेडिकेशन का काम डन कर देंगे। एक और सीन बताऊं भाई, करनाल से पापा के फ्रेंड का फोन आया था, मतलब पापा के पास ही आया था कि कुछ ऐसा है, लीड को ना यार एप्पल स्टोर से वहां से चली हुई है कोरियर से, बाइक कोरियर, तो शायद वो आज रीच कर जाएगी, तो उसे भी देखेंगे। अगर मिल गई तो यार उसकी भी अनबॉक्सिंग कर डालेंगे, वैसे मेरे हिसाब से 1-2 दिन लग जाएंगे उसको आने में। सो यार वेट तो कर ही रहे हैं, बाकी यार नोटिस मिल गया था कि भाई आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, और कैसे भी आ सकती है यार पता नहीं अभी कि किस दिन आएगी, एक्चुअली किस दिन आएगी क्या पता आज ही आ जाए। सो गाइस वी आर वेटिंग फॉर दैट ऑल्सो। यार लीड के बिना यार सही में काम नहीं चलता, अगर आपके घर भी यार चार्जर कोई ऐसा वैसा हो तो यार नहीं चलेगा आपका भी काम मेरे हिसाब से, क्योंकि यार फोन के बिना तो यार आजकल किसका ही काम चलता है। और नीचे दिखा दूं भाई, जो उस दिन मुझे एक चीज नहीं काटी थी, डेंगू कह रहा था मैं, जेन्युइनली बता रहा हूं गाइस, अगर मैं अभी 5 से लेकर 10 मिनट में नीचे नहीं गया ना, तो ये सारे यार मेरे को आंखें चिपकने वाले हैं। कैसे यार देख लो एक बार नीचे सीन, देखो भाई कैसे आराम से लेटा हुआ है।
और मैं बता रहा हूँ यार मेरी लाइट के आसपास ये ऐसे 10 हैं भाई 10, और यार एक भी काट जाए भाई बहुत जोर से दर्द होती है, आप सभी को पता होगा। और कमेंट सेक्शन में बता देना भाई अगर 10 काट गए तो भाई कैसा क्या हाल होगा, क्या सीन बनेगा। और मैं जाता हूँ नीचे, और कसम से यार थोड़ी बहुत भूख भी लगी है, देखेंगे यार नीचे जाके क्या सीन है। क्योंकि मैं आपको कल ही कह रहा था यार ये सारा काम होता है ना, जो ये सारा वोकल्स का काम होता है, और मेरे मुंह पे भी यार ये रिफ्लेक्शन किस लिए पड़ रही है, इतनी ज्यादा धूप है ना। सो अभी चलता हूँ नीचे और मम्मी पापा के आते ही वो सीन दिखा दूंगा, और यार मम्मी की हेल्थ के बारे में पूछना है क्योंकि यार मम्मी को फीवर था। सो देखते हैं यार क्या सीन बनता है, चलते हैं नीचे और थोड़ी देर में आपको मिलता हूँ। सो लेट्स गो यार। सो गाइस फाइनली मम्मी एंड पापा रीच कर चुके हैं, और मम्मी का फोन आया था यार स्कूल से, थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, क्या हुआ मम्मा बताओ। बस आज थोड़ी फीवर की हरकत लग रही है बेटे, कई दिनों से पेपर चेकिंग में लगी हुई थी दिन रात काम करके, तो एक बार थकावट तो निकलनी है। तो यार अभी मम्मी रेस्ट कर लेंगी, और साथ साथ यार लंच का भी टाइम हो गया, और साथ में यार पापा भी आ गए। पापा गुड आफ्टरनून। ठीक हो पापा? हाँ बेटा ठीक हूँ। ऑफिस का क्या रहा, सही रहा सारा काम आज? सब कुछ ठीक है। चलो यार पापा को रेस्ट करने दो यार, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है। सो अभी आप एंटरटेनमेंट कर लो यार, मैं भी जाता हूँ और थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करता हूँ, लंच भी करता हूँ, और फिर राइड पे भी निकलेंगे शाम के। गाइस फाइनली यार राइड एंड ऑल के लिए परफेक्टली तैयार हो चुके हैं, और बाहर चल के बताता हूँ यार मेन सीन क्या है आज का। सो चलो यार जा चुके हैं मेन रोड पे, और आज का सीन रहता है आपको, सीन कुछ ऐसा है यार। प्लान जो हम कह रहे थे ना, जो मैं कह रहा था आपको कि भाई प्लान बन रहा है कहीं बाहर जाने का, कहाँ बन रहा है? चार पांच जगह यार वो जो निकाल के आई हैं सामने आई हैं, मतलब चार पांच जगह, कहीं उसे कहीं जाएंगे मेरे हिसाब से तो। और बाकी यार पापा से पूछना है, और घर पर क्या सीन चल रहा है घर पर? मम्मी पापा दोनों की आज तबियत थोड़ी सी ढीली है, उनको मेडिकेशन दे के हम दोनों भाई निकल आए हैं थोड़ी सी राइड के लिए, क्योंकि यार राइड करना भी ज़रूरी है, घर संभालना भी, सारी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं यार। तो वो थोड़ा सा काम निपटा के आज छोटी सी राइड रहेगी, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, कि चार पांच जगह निकाल के मैप्स वगैरह में से, कि उन्हीं चारों पांचों जगह में से कहीं जाएंगे। एंड फर्स्ट जगह यार पानीपत, दूसरी सोनीपत, थर्ड है भाई चुलकाना धाम, जो कि है भाई खाटू श्याम बाबा जी का मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ भी जा सकते हैं। एंड दो तीन जगह और हैं जैसे कि पास में रोहतक भी है, तो भाई वहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि यार जहाँ पे बाइक आसानी से जा रहा है ना, तो उसी की बात कर रहे हैं। बाकी दिल्ली वगैरह का नया प्लान है यार, ये भी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बाकी मैं कंफर्म तो करूँगा, जैसे कि आपको पता है यार पापा मम्मी से कंफर्म करना पड़ेगा, और एक साथ में और पार्टनर भी लेना पड़ेगा, चाहे वो बड़ा भाई हो, चाहे वो कज़न ब्रदर हो, चाहे वो कोई भी हो। और भाई सीन कुछ ऐसा मैं आपको कह नहीं रहा था यार, करनाल में से एक अंकल का फ़ोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे एप्पल स्टोर से कोरियर करा दिया है आपकी लीड डाटा केबल, तो यार पहुँचती होगी वो आज, आज तो पहुँची नहीं, और कल या परसों में पहुँचती होगी यार, उसे भी पिकअप कर लेंगे जहाँ से वो बताएंगे यार, कोरियर सेंटर में से मेरे हिसाब से पोस्ट ऑफिस एंड ऑल पता नहीं कहाँ पहुँचेगी, तो वहीं से पिकअप कर लेंगे उसको। और देख लो यार लेफ्ट हैंड साइड स्टॉल्स हैं, राइट हैंड साइड एक स्टेडियम है भाई, स्टेडियम नहीं छोटी सी जगह है, यहाँ पे लगता है अपना फेयर घोना का, और जब भी लगा यार वो ऑर्गेनाइज हो आपको ले जाएंगे वहीं पे। और यहाँ पे वही आएगा बाईपास यार 4 से 5 किलोमीटर वाला, जहाँ पर हम बहुत बार जा चुके हैं, तो इसलिए आप यू टर्न आके कहीं और ले जाता हूँ आपको, दूसरी साइड ले जाता हूँ, और वो रोड रहेगी यार सोनीपत रोड, जो कि यार सीधा कनेक्ट करती है सोनीपत को, मतलब सोनीपत है ना सिटी, तो यार सीधा वहीं कनेक्ट करती है, हमें वहाँ तो नहीं जाना, लेकिन सोनीपत भी यार एक प्रेफरेंस है, जो मैंने आपको 4-5 सिटी बताई है वहाँ जाने के लिए, तो क्या पता वहीं चले जाएँ और क्या पता ना भी जाएँ यार, अभी 50-50 भी नहीं है, 30 और 70 है, 30 जाने का 70 नहीं जाने का, पहले कंफर्म होगा और फिर बताऊंगा यार आपको, अपडेट कर दूंगा साथ के साथ कहाँ जाना है। कसम से गाइस यार रात भी होने वाली है, आज मैं थोड़ा लेट निकल पाया यार, क्योंकि यार ये मैंने अपने फ़ोन से शूटिंग नहीं करा भाई, भाई का फ़ोन मांग के आया हूँ कि भाई एक बार फ़ोन दिखा दे किस लिए यार। और पहले बता देते हैं यार ये है परशुराम जी की स्टैचू, और राइट हैंड साइड पे है सोनीपत रोड, और ये परशुराम चौक कहते हैं इसे, अभी नया नया बनाया इतना फेमस नहीं है। और चलते हैं यार, बस ये जो रोड है ना यार ये सोनीपत रोड को कनेक्ट कर रहा है सीधा सोनीपत सिटी को, और यार वहाँ पे बहुत बार गए हैं वहाँ पे भी, और राइड के लिए कभी नहीं गए हैं, वो भी देखना। और यहाँ पे मेन पता है क्या है भाई, सारी स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, ट्रैक्टर वगैरह ठीक होते हैं, सारी चीज़ें ठीक होती हैं, मेनली बाइक ठीक होती हैं यार, कई बार आया हूँ मैं बाइक ठीक कराने, और तब तो यार वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाता था, मतलब शॉर्ट्स बनाता था, और वीडियोज़ अभी शुरू किए हैं जैसे कि आपको सबको पता है। साथ के साथ यार यहाँ पे जावा तैराक का भी एक शोरूम है भाई, कसम से जावा वाली बाइक्स हैं एक नंबर, ये मतलब नेक्स्ट लेवल है उनकी यार, शुरू से कुछ ऐसे साइलेंसर लगे रहते हैं कसम से, क्या आवाज़ होती है उनकी। यहाँ पे एक स्कूल है भाई, कभी आए हैं नहीं है यहाँ स्कूल के अंदर, क्योंकि अपना स्कूल इससे अपोजिट साइड में है। और साथ के साथ यहाँ पे यार एक सिविल कोर्ट भी है, कोर्ट भी दिखा देता हूँ, बाकी कोर्ट वगैरह के चक्कर मारने यार हमें पसंद नहीं है, बाहर से जाना भी नहीं है, क्योंकि यार आज तक कोई इशू हुआ नहीं, और चाहते भी नहीं कि भाई आगे कोई इशू हो। देख लो यार राइट हैंड साइड कोर्ट वगैरह, यहाँ पे कभी नहीं आए, और यहाँ का बहुत ज़्यादा चिल्ला भाई।
देख लो भाई कोर्ट बहुत ज़्यादा बड़े हैं यहाँ पे, एक ही सिविल कोर्ट है यहाँ पे, कसम से बहुत बड़ा है। और साथ के साथ यार मेरे को यहाँ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है, क्योंकि यार मेरे को इतना ही पता है थोड़ा बहुत यहाँ का, क्योंकि यार यहाँ पे स्कूल वगैरह बस आई करती थी, मेरी स्कूल बस आती थी यार, तो मैं खिड़की में से झाँक के देख लेता था जैसे यार सारे बच्चे देखते हैं। इसके आगे आगे आपको एक और बताता हूँ यार बात, यहाँ पे यार सुजुकी का शोरूम भी है, मारुति सुजुकी का शोरूम। और ये ज़रूरी नहीं होता कि भाई हर शोरूम पे बाइक वगैरह भी हूँ मारुति सुजुकी की, जैसे कि भाई एक बाइक है हायाबुसा तो वो यहाँ नहीं आएगी, वो तो सिर्फ यार पर्टिकुलर ऑर्डर करते हैं जब कोई बंदा तो तभी आती है। और देख लो यार ऊपर श्राइन रोड पे 35 किलोमीटर सोनीपत, और पानीपत है भाई लेफ्ट 42 किलोमीटर, और राइट है रोहतक 38 किलोमीटर से यार। सो अब चलते हैं यार यू टर्न लेके, क्योंकि यार अपना कोई काम नहीं है आगे, आगे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और इस साइड क्या है भाई अपने स्कूल का रास्ता आ जाता है, सही बताऊँ तो आपको देख लो यार लेफ्ट साइड में गोहाना हवेली है, कसम से यहाँ पे मैं आया नहीं हूँ कभी, लेकिन यार जैसे ही मौका मिला जल्दी ही आएंगे, अगर कोई भी ओकेजन हुआ तो ट्राई कर लेंगे यहाँ पे। और यार यहाँ पे बहुत बार भी आया हूँ यार, बड़े भाई के साथ गए हूँ यार फोटोशूट कराने के लिए। बाकी यार ध्यान से आया करो, क्योंकि रात को यार वाइल्ड लाइफ का भी खतरा है तो नहीं, वो फिर भी यार किसी बड़े के साथ आया करो, क्योंकि अभी बड़ा तो मैं भी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने भाई को ले आया, भाई तू भी साथ चल, मैं लॉन्ग रूट में जा रहा हूँ यार, तो थोड़ा सा तू भी साथ चल यार, कोई बात हो जाए तो यार सारा शॉर्ट आउट हो जाए ना। और राइट हैंड साइड यार एक कॉलेज है, और यहाँ पे यार बहुत सुबह सुबह बस आती थी यार 5:30 के करीब, यहीं से होके सीधा स्कूल निकल जाती थी साइड पे ही, लेफ्ट हैंड साइड पानीपत रोड पे स्कूल है। और यार यही जगह लगती है थोड़ी हॉरिफिक लगता है यार सुबह सुबह आना यहाँ पे, और यहाँ पे देख लो यार कम ही आपको बंदे नजर आएंगे, बहुत कम यहाँ देख लो यार, फील्ड्स वगैरह बिल्कुल खाली हैं, कोई फार्मर सेंटर नहीं है, थोड़ा बहुत यार डर सा भी लगता है यहाँ पे आते हुए सुबह सुबह। और अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारे बंदे हैं नहीं भाई आसपास में, बाकी थोड़ा सा चिल लग रहा है यहाँ का मेरे को, थोड़ा सा लग रहा है कि भाई एटमॉस्फेयर ऐसा ही लग रहा है थोड़ा बहुत। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि यार वो भी बहुत पुराना है ना यार कॉलेज वगैरह, तो यार मुझे लगता है थोड़ा बहुत, बाकी इतना कोई सीन डरने वाली बात नहीं है यार, गाँव वगैरह में ऐसी चीज़ कोई कम ही होती है, तो यार मैं कभी आया नहीं एक्सप्लोर करने के लिए, बाकी अभी भी उसके चक्कर में नहीं आया मैं, तो व्लॉग के बारे में आपको बता रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा मुझे क्या फील होता है, आप देख वगैरह के बताना कि भाई कैसी फील आ रही है आपको। बाकी यार करते हैं फोटोशूट और फिर सीधा मिलता है आपको सिटी में, कसम से बहुत देर हो जाएगी अगर यहीं पे रह गए तो। सो गाइस फाइनली यार सिटी में पहुंच चुके हैं, और हाईवे यार बहुत दूर था, कम से कम 10 किलोमीटर छोड़ गया जाना और आना वहाँ से, और अब प्रॉपर सिटी में आ चुके हैं। होप करता हूँ यार ग्रेन्स ना आएँ, क्योंकि रात को ग्रेन्स आते हैं, और पीता हूँ यार जूस वगैरह, जूस की स्टॉल वगैरह आ गई है, तो करता हूँ खड़ी बाइक यार और एंजॉय करता हूँ, आप भी कर लो यार एंजॉय मेरे साथ आके। सो गाइस फाइनली अब जूस एंड ऑल प्रिपेयर हो रहा है, सो उतारता हूँ माउंटेन सेटअप और एंजॉय करो यार आप भी। होप करता हूँ यार बहुत पसंद आई होगी राइड, छोटी सी थी जैसी भी थी, और यार वो 4-5 प्लेसेस हैं यहाँ जिनमें से हमें एक में जाना है यार, और वो भी आपको अपडेट कर दूंगा कहाँ पे भी जाना है। तो करता हूँ ख़त्म राइड को यहीं पे, छोटी सी थी और बहुत मज़े आए, सो मिलता हूँ आपको सीधा डायरेक्टली करके, और देखते हैं यार घर का क्या सीन है, सो मिलता हूँ सीधा घर पे। सो गाइस राइट हैंड टर्न करके यार अच्छी तरह घर पे पहुंच चुके हैं, और यार घर का सीन भी सब सॉर्ट हो चुका है, मम्मी पापा की तबीयत आप बिल्कुल ठीक है, मतलब फाइन हो चुकी है पहले से, और कल और बेटर हो जाएगी, ये कमेंट सेक्शन में यार कमेंट भी कर देना कि भाई हाँ बेटर हो जाए, और हो जाएगी वैसे सून ही ठीक हो जाएगी, एक दो दिन में यार वायरल वगैरह हो जाता है कोई बात नहीं। और आपको बता दूं भाई अभी डिनर का टाइम हो चुका है, डिनर में देखो यार क्या है, चाप की सब्जी और साथ में यार हरी चटनी प्याज सिंपल चपाती, करता हूँ यार डिनर को एंजॉय, और होप करता हूँ यार ये सिंपल सब लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई क्रीपी सी फीलिंग आई थी जब हम हाईवे पे उस कॉलेज के आसपास थे, मतलब उस स्कूल के जो भी था वो, मतलब उस बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास थे, मुझे तो थोड़ी क्रीपी फीलिंग आ रही थी जब मैं पेड़ों के पास था, मतलब ट्रीज वगैरह के पास, ग्रीनरी के पास था, तब भी थोड़ा सा यार क्योंकि सनसेट हो चुका था ना। सो करता हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड, एडिटिंग भी साथ ही कर लूंगा डिनर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर नए हो तो यार चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, और यार वीडियो बिल्कुल एंड तक देखा करो, व्लॉग बिल्कुल एंड तक देखा करो यार, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कल मिलूंगा नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अग लाउण दा इरादा तेरा जग नूं चुन्नी कर दी सारे मेरी पग नूं, तेरी प्यो
करता दिल तेनु गिफ्ट करा तेरे लग तेनु बर टिकी रह गई गल पुट के स्वीट जेहा कह गई मेरा सब कुछ।